बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 का, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। असल में वैसे अगर मैं आपको लास्ट टाइम जो हमने एक ग्रेविटेशन का कानून पढ़ा था और उसका जो फार्मूला हमने निकाला था वो था एफ इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। ये हमने ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर ये फार्मूला निकाला था। अब देखें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है अगर, और आपको पता है ज़मीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद है उसे अगर ऊपर फेंकेंगे तो ज़मीन उसको अपनी जानब खींच लेती है। तो मिसाल के तौर पर इसके ऊपर एक मास, ये छोटा सा मास मौजूद है, ये ज़मीन का मास बहुत बड़ा है, तो इसको मैं एम ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ, और ये छोटा सा मास है इसे मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसके ये सेंटर है ज़मीन का, इस मरकज़ से यहाँ तक का फासला मैं कहता हूँ आर है, बिलफर्ज। तो इसके अंदर ये ज़मीन इस मास को अपनी जानब खींचेगी, तो ये जिस कुव्वत से खींचेगी उसका फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ होगा, एफ इज़ इक्वल टू जी एम एम ई, यहाँ पर एम ई से मुराद मास ऑफ अर्थ है एंड स्मॉल एम इससे मुराद ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बटा आर स्क्वायर, जहाँ से इससे आर स्क्वायर से मुराद ये है कि ज़मीन के मरकज से उस मास एम तक जो फासला है उसको कहा गया है। इस मसावात की मदद से हम ज़मीन से ऊपर मौजूद किसी भी बुलंदी पर उस मास और ज़मीन के दरमियान जो कुव्वत है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ज़मीन के ऊपर मौजूद या यूनिवर्स के अंदर हर ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को अपनी जानब खींचता है, तो इसलिए ये ज़मीन और मास भी एक दूसरे को खींचते हैं, लिहाजा वो कशिश की कुव्वत हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये बताऊँ, अगर देखा जाए ना तो ज़मीन के, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता, पहले शुरू में उसकी स्पीड तेज़ थी, बाद में उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। एक मकाम आता है जब वो मास ऊपर जाके ठहर जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, मज़ीद ऊपर नहीं जाता, फिर वो वापस आना शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू करता है तो उसकी स्पीड में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जैसे हम बॉल को हिट करें तो वो ऊपर जाएगी हमारी कुव्वत की वजह से, जैसे जैसे वो ऊपर जा रही होगी ज़मीन उसको नीचे की जानब खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस बॉल के ऊपर ज़मीन की जो फोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और बॉल की स्पीड ऊपर की तरफ कम होना शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब ज़मीन की ग्रेविटी उसके ऊपर गालिब आ जाती है और वो ऑब्जेक्ट कुछ लम्हे के लिए खला हवा के अंदर ठहर जाता है, और फिर ज़मीन जब उसको खींचती है तो वो जैसे जैसे नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अब इससे एक बात यह है कि ये जो ज़मीन की ये जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है ये गैर मुत्तसिल है, यानी जो ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ कंटेक्ट में है, मुत्तसिल है, सिर्फ उसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाती बल्कि जो ऊपर हवा के अंदर मौजूद है उसको भी अपनी जानब खींचती है। लिहाजा ज़मीन अपनी हर साइड से ऑब्जेक्ट को खींचने की सलाहियत रखती है, और जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट को खींच सकती है वहाँ तक का एरिया इसका क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए मैं एक क्लास में अगर ठहरा हूँ और मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेता हूँ क्लास के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये मेरा फील्ड है जहाँ तक मेरी कुव्वत जा रही है, ताकत जा रही है, कंट्रोल है। अगर मैं किसी ऐसी जगह ठहरा हूँ जिसके एक इदारे में अगर ठहरा हूँ, उस पूरे इदारे के बच्चे जब तक मुझसे नहीं पूछेंगे बाहर नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इस पूरे इदारे के अंदर है। ये एक मैं मिसाल दे रहा था आपको। इसी तरह ज़मीन जहाँ तक, जितना दूर तक किसी मास को खींचने की सलाहियत रखती है वो सारा एरिया इसका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इसके साथ अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर मैं एक क्लास में ठहरा हूँ तो मैं क्लास के बच्चों को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अगर जो साथ वाले कमरे में बैठे हैं बच्चे, क्या मैं उनको इस तरह हैंडल कर सकता हूँ जिस तरह इन बच्चों को हैंडल कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं आप कहेंगे। उसकी वजह है क्योंकि इनको मैं सामने देख रहा हूँ, ये मेरे ज़्यादा करीब हैं,
इसी तरह ज़मीन के करीब जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मैस होता है, ज़मीन उसको ज़्यादा कुव्वत से खींचती है। जो ज़मीन से दूर होता है, ज़मीन की उसके ऊपर फोर्स कम होती है। लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं, ज़मीन से जितना ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा, ज़मीन की जो स्ट्रेंथ है, जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर पड़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट जितना ज़मीन के करीब आता जाएगा, तो ये जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है ज़मीन की, वो ताकतवर होती जाएगी। यानी इसके अंदर हमारे पास दो टर्में हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड की हो गई, फिर हमने मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल की बात की, कंटेक्टेड कंटेक्ट की एंड नॉन कंटेक्ट की बात की। उसके बाद हमने बात की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ की, और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई जितना अगर वो ऑब्जेक्ट करीब होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होगी, जितना दूर होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर पड़ जाएगी। और हमने स्कूल की क्लास की और ग्राउंड में बॉल की मिसाल के मदद से ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने की कोशिश की है। आप इसको किताब से देखें, अगर कोई मसला होता है तो ज़रूर मुझसे पूछिए।